हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमोना की और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। अभी सुबह का बज रहा है 6:30 और आज बहुत जल्दी मैं अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी सुबह ना मॉर्निंग पे हमारे जो मेन गेट है ना वहाँ पर पानी दिया जाता है, तो पानी देने के बाद ही कोई निकलता है घर से बाहर। और ये पौधा ना मैंने कल रात को ही बाहर रख दिया था, थोड़ा बारिश हो रही थी इसलिए। मेन गेट पे पानी देने के बाद अभी मैं आ गई हूँ आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और ये जो पत्ता है ना, इतना सारा पत्ता हो जाता है, ये है सजना फली का। एक भी सजना फली हुआ नहीं अभी तक, लेकिन इसका पत्ता जो है ना दिन भर गिरता रहता है। और इसको झाड़ू लगा के साफ करने में 10-15 मिनट ना आंगन में ही लग जाता है टाइम। तो अभी मैं हाथ पैर धो के मुँह धो के अभी आ गई हूँ भाई का टिफ़िन बनाने के लिए। तो भाई का टिफ़िन आज मैं आलू का पराठा बना के दे रही हूँ। तो थोड़ा सा आलू मैंने बॉयल करके उसके बाद स्टफिंग भर लिया है और अभी मैं आलू का पराठा बना दे रही हूँ। और मम्मी एक तरफ आलू और गोभी फ्राई कर रही है क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी, और भाई को आलू का पराठा ही देंगे। जल्दी उठने का ना फ़ायदा भी बहुत मिलता है हमें, थोड़ा सा आज डिफरेंट लंच बना के भाई को दे पाई मैं यही जल्दी उठने की वजह से। और अच्छी बात ये है कि उसको पता भी नहीं है मैंने आलू का पराठा बनाया। वैसे मेरे भाई मेरे साथ दिल्ली में था, मतलब 1 साल करीबन था, तो तब तो मैं बहुत तरीके के खाना बना के देती थी उसको। और मेरे भाई को ना बहुत पसंद है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, मतलब टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है वैसे, तो इसलिए सरप्राइज़ आज लंच बॉक्स में मिलेगा उसको। तो मेरा पराठा जो है वो पैक हो गया है, मुरमुरा भी दे दिया है मैंने। और अभी मम्मी बना रही है गोभी आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सा नहीं अभी थोड़ा सा ज़्यादा करके बना रही है, और ब्रेकफास्ट के लिए भी हमारे लिए हो जाएगा। और कल जो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना मम्मी ने, तो वो हम लोगों ने ऐसे ही फिनिश कर लिया था, शाम को भी हमने मुरमुरा से खा लिया था, इसलिए भाई को गोभी आलू की सब्ज़ी नहीं मिला था, इसलिए मम्मी ने दो गोभी जो बचा हुआ था ना वो आज बना लिए हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। ब्रेकफास्ट भी बना लिया है और लंच भी भाई जो है ना वो लेकर चला गया है। और आटा मैंने ज़्यादा करके गूंदा था, तो पराठा जो है बिना स्टफिंग का पराठा मैंने थोड़ा सा ही आलू बॉईल किया था जो भाई के लिए हुआ है, और हमारे लिए बिना स्टफिंग का पराठा मैंने बना लिया है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट का कोई टेंशन नहीं है, आराम से घर का जो काम है ना अभी सारा कुछ करना पड़ेगा। और मैं अभी ना कल जो बॉल वाला जो ट्री है ना वो तो मैंने बाहर रख दिया था, लेकिन मनी प्लांट को बाहर नहीं रखा था। और मैंने बहुत शौक से ये मनी प्लांट लेकर आई थी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी के आसपास क्या मतलब किसी भी घर में मुझे नहीं मिला, तो इसलिए खरीद के लेकर आना पड़ा। और एक्चुअल में मैंने दिल्ली में जो घर है ना मेरा, मैं जहाँ पर रहती हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने रखा था मनी प्लांट, लेकिन क्या होता है ना उस घर में ना बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इसलिए अच्छे से मनी प्लांट ग्रो, मतलब धूप तो थोड़ा बहुत तो चाहिए, तो वो एकदम से ग्रो नहीं करता है। आज का दिन इतना बिजी गया ना, इतना बिजी गया क्या बताओ, सैटरडे मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला था बैठने का। मम्मी जाली हो गई थी घर में, तो मम्मी बहुत दिनों से टेंशन कर रही थी, जाली होना घर में अच्छी बात नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है इस बात पे, तो मैंने सोचा चलो मम्मी का टेंशन कम करते हैं और मम्मी दूसरे घर में जाली वगैरह सब कुछ साफ़ करिए, मैं इस घर में साफ़ कर रही हूँ। और जाली साफ़ करना ही मेन बात नहीं होता है, आप देखेंगे कि जाली साफ़ करते हैं ना तो उससे गंदगी भी बिस्तर में आती है, चीज़ों पर गिरता है, तो वो भी
हाथों हाथ में साफ़ करना पड़ता है। मतलब ऐसे ही सोचेंगे बस तो जाली है, थोड़ा सा साफ़ कर देंगे ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। उसके बाद किचन का जो बॉटल है वगैरह है, अभी नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि तो वैसे मम्मी करती नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी साफ़ सफाई थोड़ा सा करना पड़ता है। और मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, नवरात्रि में इधर रहना है या वहाँ पर जाना है कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अभी 9 तारीख के बाद मतलब बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद ही कुछ सोचूंगी। अगर 10-12 को टिकट मिल गया तो मैं चली जाऊँगी। और मम्मी तो मना कर रही है कि दुर्गा पूजा काट के जाओ, पता नहीं क्या करूँगी मैं, मुझे भी सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस दौड़ में भी 30 रुपए में बहुत कुछ मिलता है। हम लोग ख़रीदते हैं, अच्छी अच्छी जगह से ख़रीदते हैं, लेकिन ये भैया ना 30 रुपए में रोज़ आते हैं, मतलब घर की जो चीज़ें हैं सामान वो बेचने के लिए। और इनके पास पैरदान से शुरू करके किचन का सामान, डिब्बे वगैरह, गमले, उसके बाद बकेट, टोकरी वगैरह बहुत अच्छी सी मिल जाती है 30 रुपए में। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा चीज़ देते हैं, मतलब सामान ठीक ठाक है और मतलब स्टॉक भी है, ऐसा नहीं है स्टॉक नहीं है। एक दिन देखा था तो उस दिन कुछ नहीं लिया था हमने, और आज मैंने ये 4 चीज़ लिया। एक रेड कलर का टोकरी लिया है, एक रेड कलर का बकेट, और ये स्पून रखने वाला लिया है, और ये पैरदान लिया है। तो इतना सारा कुछ मैंने लिया है 30 रुपए में। घर का काम जो है वो ख़त्म होने वाला है अभी, लेकिन ये किचन का अभी भी बाकी है। और किचन मम्मी साफ़ कर रही है, दोनों घर साफ़ हो गया है, मम्मी अभी पोछा लगा लेंगी, झाड़ू मैंने लगा लिया है, और अभी किचन की जितने भी डिब्बे वगैरह है ना वो सारा कुछ मैं धो लूँगी। और ये 2 डिब्बे में ना मम्मी चावल रखती है आधा आधा करके, एक जो होता है छोटा वाला वो मम्मी किचन में रखती है तो डेली यूज़ के लिए, और ये जो बड़ा वाला है ना वो अलग से रहता है। और इनको थोड़ा सा साफ़ करके निकाल देती हूँ। और अभी तो धूप ठीक सही है, लेकिन कभी कभी हो रहा है ना कि बादल जैसा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। बस ये सारा कुछ सूख जाए, उसके बाद कपड़ा भी है, कपड़े को भी धोना है। देखती हूँ क्या, अभी मौसम के हिसाब से देखना पड़ेगा। और अभी ये सारा कुछ धोने के बाद मुझे छोटे वाले जो डिब्बे हैं सारा कुछ निकाल दिया है मम्मी ने, वो भी मैं धीरे धीरे धो लूँगी। और जो नया वाला डिब्बा अभी तक यूज़ नहीं किया है ना उसको भी धोना पड़ेगा, क्योंकि रखने से पहले धोना तो एक बार ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि भगवान जी बहुत जल्दी हमारा सुन लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है कभी कभार, जब जो मन में चलता है ना कि तो वही हो जाता है। और देखिए मैंने जस्ट अभी सोच ही रही थी कि बारिश होगा, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा था, और मैंने डिब्बे बस धो के उठी, उसके बाद ही जो मौसम है ना बिल्कुल ख़राब हो गया अचानक से। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना ऐसा ही हो रहा है, 2-4 बूंद हो रहा है उसके बाद बंद हो रहा है, लेकिन मौसम देख के लगेगा ना कितना बारिश होगा। तो ऐसा ही कुछ मौसम है ना अभी हुआ है जस्ट। और मेरा जो बर्तन है सारा कुछ मैंने धो लिया है, और ये है मौसम जिसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी नहीं भरोसा करना चाहिए। देखिए भगवान भी कैसे है, देखिए इतना मेहनत से मैंने इतना सारा कुछ धोया, डिब्बे वगैरह सारा कुछ, और अभी होना था ये पक्षियाँ भी परेशान होगी इनकी वजह से, मौसम की वजह से। देखिए कहाँ जाएगा बेचारे, घूम रहे हैं। चलिए अभी जितने भी डिब्बे वगैरह हैं आधा मैंने बरामदा में रखा है किचन के पास, जो बड़े बड़े थे उनको मैंने किचन के पास रखा है,
और ये जो छोटे वाले हैं ना, ये जगह तो आपको पता है थोड़ा सा कम है हमारे घर में, तो इसलिए बेड के नीचे ही रखना पड़ रहा है मुझे। अब कुछ नहीं ऑप्शन है, बाहर जो है ना बारिश चालू हो गई है और जितने भी डब्बे थे उसको उठाने के चक्कर में ना देखिए भीग भी गया है आधा, तो अभी इसको यहाँ पर ही रख दूँगी और रात भर में सूख ही जाएगा ये, दिन भर में सूख जाएगा क्योंकि फ़ैन तो चलता रहता है। और किस्मत की बात ये भी है कि आज लाइट भी सुबह से नहीं है हमारे घर में, मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पाई हूँ मैं, पता नहीं शाम को वीडियो कैसे डालूँगी, लेकिन आज सुबह से लाइट भी नहीं है तो फ़ैन तो मैं भूल ही गई थी एकदम से, गर्मी गर्मी में ना परेशान हो गई हूँ। तो चलिए मैं ये सारा कुछ रख देती हूँ इसको डब्बे को अरेंज करके, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट तो अभी बहुत लेट ही हो चुकी हूँ, देखते हैं थोड़ा सा कर लेती हूँ फिर भी। वैसे बहुत काम कर लिया है, मतलब थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं मिला आप लोगों से सामने सामने बात करने का, तो अभी हो गया है टाइम लंच करने का। अभी जाऊंगी मैं लंच करने के लिए और कपड़ा मैंने डाल दिया है, यहाँ पर कुछ डाला है कपड़ा इस घर में, वहाँ पर कुछ डाला है, क्यों जगह थोड़ा सा कम है तो कहाँ रस्सी टंगाऊँगी और उसके बाद डालना है, और इतना सारा कपड़ा ऑलरेडी धो चुके हैं तो यहाँ पर ही डालते हैं हम लोग। चलिए अभी मैं लंच करने जाती हूँ और हालत बहुत ख़राब हो गया है। लंच में आज कुछ स्पेशल नहीं बना है, बस दाल आलू चोखा बना है और अंडा मम्मी फ्राई कर देंगी तो उसी से ही हो जाएगा, और उतना कुछ ज़्यादा नहीं बना है हमारे घर में आज क्योंकि टाइम ही कम था। उसके बाद नहा के मम्मी ने पूजा किया और मैं नहा के तुरंत जितना भी हो सका मुझसे उतना मैंने बना लिया। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग आशा करूँगी कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट्स करके बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलती हूँ एक नए खास ब्लॉग के साथ।